क्वेश्चन बोल रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्शन इन दिस एक्सपेंशन आर इन द रेशियो. देखिए ये वन प्लस ये दिया है वन प्लस एक्स का पावर टू एल. अब इसका जनरल टर्म बोलिए एनसीआर. यहाँ पर एन नहीं है, ये टू एन है, टू एन सी आर. उसके बाद एक्स का पावर क्या आर. अच्छा ये इसका जनरल टर्म डाले टू एन सी आर एक्स का पावर आर. अच्छा मुझे एक्स का पावर एन चाहिए तो क्या होना चाहिए, एक्स का पावर एन चाहिए तो आर क्या होना चाहिए, तो आर इक्वल क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए. तो ये टी एन प्लस वन मुझे एक्स का पावर एन चाहिए तो ये टी एन प्लस वन, ये टू एन कितना सी एन एक्स का पावर एन. तो बोल रहा है कि एक्स का पावर एन का कोएफिशिएंट क्या ये एक्सपेंशन में कितना आया टू एन सी एन. ओके अच्छा नेक्स्ट एक्सपेंशन देखिए. अरे बच्चों समझे एक्स का पावर वन प्लस एक्स का पावर टू एन का क्या कोएफिशिएंट आया टू एन सी एन. नेक्स्ट देखिए वन प्लस एक्स टू एन माइनस वन. देखिए वन प्लस एक्स देखिए वन प्लस एक्स टू एन माइनस वन. देखिए वन प्लस एक्स का पावर टू एन माइनस वन. देखिए इसका जनरल टर्म बोलिए क्या आएगा एन सी आर एक्स का पावर आर. अच्छा बोलिए इसका जनरल टर्म बोलिए एन सी आर एक्स का पावर आर. एन कौन इधर टू एन माइनस वन. ओके एन सी आर एक्स्ट्रा पावर आर हुआ. अच्छा आप बोलिए. ओके एक्स का पावर एन चाहिए तो आर क्या होना चाहिए टू गेट एक्स का पावर एन. तो आर इक्वल क्या होगा एन आएगा. ये टी एन प्लस वन जो है ये टू एन माइनस वन सी एन एक्स का पावर एन. इसका कोएफिशिएंट क्या बोलिए इसका कोएफिशिएंट ये आया. ठीक है अच्छा आप क्या बोल रहे हैं इसका कोएफिशिएंट आया. समझे बच्चों आप क्या बोल रहे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ दिस आर इन रेशियो कितना आएगा. देखिए तो पहला का टू एन सी एन और दूसरा का टू एन माइनस वन सी एन. इसका रेशियो कितना आएगा देखिए. अच्छा एनसीआर का फॉर्मूला बोलिए बच्चों. एनसीआर का फॉर्मूला बोलिए सर. एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल. एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल. ओके डिवाइडेड बाय इसका भी देखिए डिवाइडेड बाय क्या होगा इसका एन फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल ये एन माइनस आर फैक्टोरियल. एनसीआर का फॉर्मूला जो बच्चे नया हो एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल. ओके ये इसका रेशियो बोला था ये डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय ये देखिए. अच्छा टू एन फैक्टोरियल को टू एन माइनस वन तक ला सकते हो एक तो कम करके. टू एन फैक्टोरियल को टू एन माइनस वन तक ला सकते हो टू एन इंटू टू एन माइनस वन फैक्टोरियल एक माइनस वन करके वहां पर रख सकते हो.
देखो देखो ये n फैक्टर ले 2n माइनस n, ये भी n फैक्टर से उल्टा को मल्टीप्लाई करो, n फैक्टर n, ये 2n माइनस n, 2n माइनस n, n माइनस 1 फैक्टरियल, ये 2n n फैक्टर 2n माइनस n होता है, n माइनस 1 फैक्टर डिवाइडेड बाय ये 2n माइनस 1 फैक्टर, ओके तो ये द्वारा 2n फैक्टर को 2n माइनस 1 तक ला सकते हो, ये कट जाएगा, ये एक n फैक्टर कट जाएगा। अच्छा बच्चे ये n फैक्टर को n माइनस 1 तक ला सकते हो, ये 2n है, n फैक्टर n माइनस 1 कैसे देख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 फैक्टर, ये n फैक्टर को n माइनस 1 तक ला सकते हो, ये n माइनस 1 फैक्टर, ओके ये कट जाएगा, ये 2n बाय n आएगा, दैट इज योर 2:1 आएगा। ये कौन नहीं समझा बच्चों, ये 2n फैक्टर को 2n माइनस 1 तक ला सकते हैं, एक माइनस करके वहां पर स्टॉप, जैसे तुम्हारा सब n फैक्टर को n माइनस 1 तक ला सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, एक तो माइनस करके रख सकते हो, ओके इसमें एक तो माइनस करके वहीं पर स्टॉप हो सकते हो, 2n फैक्टर 2n माइनस 1, ओके ये 2n माइनस 1 n फैक्टर हुआ, ये 2n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टर हुआ, फिर n फैक्टर को n माइनस 1 तक जा सकते हो, ये 2n फैक्टर को 2n माइनस 1 तक जा कट गया, ये n फैक्टर कट गया, n को n माइनस 1 तक कट गया, ये 2:1 ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन बोले ऑप्शन डी आया पाइपिथ कौन आंसर भेजा, ये वाला क्वेश्चन देखिए आंसर आप तक कोई नहीं कर पाए वाला आंसर, सर मैसेज किए हैं, क्या आंसर है बोलो, आंसर क्या है बोलो, 7 ये तो है पता है यहाँ पर 7 आंसर है अभी, तो देखिए वो बोल रहे तो सेकंड टर्म, सेकंड टर्म देखो तो सेकंड टर्म तो मींस यहाँ पर एन सी 1 आएगा, ओके और x का पावर 1 आएगा, ओके ये 1 प्लस x हो गई, अगेन तो थर्ड टर्म मींस एम सी 2 आएगा x स्क्वायर, ओके और तो फोर्थ टर्म मींस एम सी 3 आएगा, ओके एपी में। अच्छा तो बच्चों कल मैं बोल रहा था अगर ए बी सी अगर एपी में तो क्या कंडीशन आएगा, ए प्लस सी इक्वल टू 2b, ओके वेरी गुड, ये b इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सी बाय 2 आएगा, और नहीं तो क्या होगा, योर टू बी इक्वल टू ए प्लस सी आएगा, ओके अगर ए बी सी अगर एपी में है ये मिडिल वाला इक्वल ए प्लस सी बाई टू आएगा और ये टू बी इक्वल ए प्लस सी आएगा, तो यहाँ पर भी बच्चों ऐसा आएगा, ये मिडिल वाला कौन है, ये अगर एपी में है तो ये ट्वाइस ऑफ एन सी 2 किससे इक्वल होगा, एन सी 1 प्लस क्या एन सी 3, ठीक है ये मिडिल वाला इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ये प्लस ही आएगा, ठीक है ये वाला कंडीशन, ओके देन हमें बच्चों क्या बोल रहा है, n निकाल रहा है, ओके कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्या, हो सकता है, इधर को एन सी 2 इधर एक एन सी 2 ऐड कीजिए, उधर एक एन सी 2 ऐड कीजिए, एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3, इधर एक एन सी 2 ऐड किया उस तरफ एक एन सी 2 ऐड किया, ओके अच्छा इसका फॉर्मूला बोले, अच्छा ये ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टू एन सी 2 हो जाएगा, ओके ये 2 टू एन सी 2 1 टू एन सी 2 3 टू एन सी 2 हो जाएगा, ठीक है अच्छा बच्चों बोले फॉर्मूला बोले MC0, MC1, MC2, dot 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 up to MCN, क्या फॉर्मूला बोले प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला बोले तुम लोग बोलो करो, ओके ओके MC1 प्लस MC2 प्लस MC3 अप टू MCN, क्या फॉर्मूला बोले, ये MC0 1 जो उधर जाकर आता है 2 उधर है क्या माइनस 1, तो यहां पर क्या फॉर्मूला बोले, ये क्या होगा रूट द 3 माइनस 1 आएगा, ठीक है एक मिनट,
खत्म हो गया ये द्वारा क्या आएगा टू टू दर एन माइनस वन, ठीक है, ये प्लस वन आता है, ये फॉर्मूला है। तो बच्चों में क्या क्या इधर इधर एक एन सी टू आर के, इधर एक एन सी आर टू आर के, ओके, ये तो ये साइज ऑफ एन सी टू 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 थ्री माइनस वन कितना होता है सेवन होता है, टू टू थ्री एट माइनस वन सेवन होता है, ओके। जब द्वारा एन सी टू इक्वल टू क्या होता है सेवन बाई थ्री होता है, ओके, एन सी टू निकालिए सेवन बाई थ्री, एन सी टू निकालिए एन बाई टू, ऊपर एक कम नीचे एक कम, एन बाई टू ऊपर एक कम नीचे एक कम सेवन बाई थ्री, ओके। ये एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू फोर्टीन बाई थ्री, टू सेवन जब फोर्टीन बाई थ्री, ओके, एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू फोर्टीन बाई थ्री, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन, थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो। बच्चों ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा, क्या होगा मुझे थोड़ा बोलिए थोड़ा, अरे बोलिए प्रीतिपाल। सर ये हो नहीं रहा है। क्या बात है, तुम कहाँ गलती हुआ क्या? ओके सर टोंटना मत बोलिए। हाँ जी बोलिए, शायद ये हम लोग का गलती है क्या, ये एनसीएम था, ये हमारा गलती हो गया शायद, ये एनसीएम था तभी जाके फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो ये कुछ फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा, हम लोग का ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा थोड़ा। सर वो NC2 दोनों तरफ प्लस ना करके सॉल्व करने से नहीं होगा क्या? नहीं, फॉर्मूला में डालना चाहता हूँ। अच्छा R एक फॉर्मूला था NC R प्लस NC R प्लस वन, वो क्या था फॉर्मूला, और क्या था ये NC R प्लस NC R प्लस वन, बोलो फॉर्मूला क्या था, N प्लस वन C फॉर्मूला बोलो क्या था ना, भूल गए, एक बार बुक में फॉर्मूला है, ओके, ये एनसीआर एनसीआर माइनस वन एन प्लस वन सी आर, ओके, तो ये एनसी थ्री पहला एनसी थ्री आएगा बच्चों, NC3 प्लस NC2, ओके, ये प्लस NC1, ये फॉर्मूला से क्या होगा बोले, N प्लस 1 C3 NCR, ये NCR माइनस 1, तो इस ये है इसमें एक कम है N प्लस 1 CR, तो ये आएगा N प्लस 1 C3 प्लस एम सी वन, एन प्लस वन एन सी आर प्लस एम सी आर माइनस वन होता है एन प्लस वन सी आर, ओके, या आर माइनस वन, ओके। अच्छा एन प्लस वन एन सी वन का वैल्यू बोलो थोड़ा, एमसीएम तो एन होता है, एन प्लस वन सी बोलो, नहीं तो इन दोनों को कर लेते ना, ये एन प्लस वन सी टू आता के लिए। अच्छा बच्चों डायट कर दो के वे कर रहे, अच्छा बोलो कितना आएगा बोलो, एन सी टू बोलो, एन फैक्टर बाय टू फैक्टर बाय एन माइनस टू फैक्टर, ओके, एन सी वन एन होता है, ओके, एन सी थ्री एन फैक्टर बाय थ्री फैक्टर इंटू एन माइनस कितना
थ्री फैक्टर ओके अच्छा एनसी वन एन होता है अच्छा ये एन फैक्टर को एन माइनस टू तक ला सकते हो ये टू फैक्टर को काट देते हैं टू फैक्टर टू इंटू वन होता है ओके एन फैक्टर को एन माइनस टू तक ला सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टर ओके ये बैग इतना एन माइनस टू फैक्टर ओके ये कट जाएगा एन माइनस एन फैक्टर को एन माइनस टू तक ला सकते हो यहाँ पर एन फैक्टर को एन माइनस थ्री तक ला सकते हो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री तक लाओ एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टरल बाई एन माइनस थ्री फैक्टर और थ्री फैक्टर थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्स आएगा थ्री फैक्टर ये एन माइनस थ्री फैक्टर ओके ये और ये क्या आ जाएगा कट जाएगा अच्छा ये बच्चे एन माइनस टू फैक्टर कट गया एन माइनस टू तक ये एन माइनस थ्री तक कट गया ये एन इंटू एन माइनस वन यहाँ पर एन कॉमन ले लीजिए वन प्लस एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू बाय कितना सिक्स यहाँ पर ये एन माइनस थ्री कट गया एन कॉमन ले लीजिए बच्चों वन प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस ये बाय सिक्स ये एन एक तो काट दीजिए ये एन माइनस वन ये सिक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू ये एम स्क्वायर माइनस थ्री इन दोनों माइनस थ्री एन प्लस टू ओके इन दोनों इनटू कर लीजिए सिक्स ओके देखिए ये क्या होगा ये सिक्स एन माइनस सिक्स सिक्स एन माइनस सिक्स इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस एट एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस एट एन स्क्वायर माइनस नाइन एन प्लस फोर्टीन इक्वल टू जीरो देखिए क्या आ रहा है सेवन एन टू माइनस सेवन एन माइनस टू एन प्लस फोर्टीन इक्वल टू जीरो एन जाने से एन माइनस सेवन माइनस टू जाने से एन माइनस सेवन एन माइनस सेवन और क्या एन माइनस टू इक्वल टू जीरो एन का वैल्यू सेवन है एन का वैल्यू टू एन का वैल्यू टू रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म जब बोलता है एन का वैल्यू टू होने से नहीं आएगा एन का वैल्यू सेवन होने से ही आएगा तो आंसर एन इक्वल टू सेवन आएगा ओके कौन सा ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन होगा ओके नेक्स्ट देखिए ये चार मार्क का टाइप ये चार मार्क बोले तो मिडिल टर्म बच्चों जब ये दस तो देते हैं ना एक्चुअली ये टी वन ये टी वन है क्या नहीं कितना ये टी टू ये टी थ्री टी फोर T5, T6, T7, T8, T9, T10 अच्छा इसका मिडिल टर्म बोलिए मिडिल में कौन आ रहा है इस तरफ पांच इस तरफ पांच एक दो तीन चार ये दस तो टर्म बोल रहा है ये सॉरी ये दस है तो एक्सपेंशन करने से कितना आएगा बच्चों बोलिए पावर टेन है एक्सपेंशन करने से कितना टर्म आएगा सिर्फ क्वेश्चन उसमें जेमेन तो इसका भी खत्म हो गया कुछ एग्जांपल क्वेश्चन रह गया ओके
कॉमिंग संडे बच्चे एनडीए क्वेश्चन करेंगे, ओके, और नेक्स्ट संडे जेईई मेन क्वेश्चन करेंगे।